आज मैं आपको ऐसे हिंदुस्तानी फौजी की कहानी सुनाऊंगा जिसे जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है परमवीर चक्र सम्मानित सूबेदार जोगिंदर सिंह की, जिन्होंने 1962 के इंडो चाइना वॉर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बात तब की है जब अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से जाना जाता था और चाइना हमेशा से इस रीजन में अपना क्लेम करते आया है। अक्टूबर 1962 में सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने 23 जवानों के साथ बहुत ही लिमिटेड हथियारों के साथ तैनात थे जब चीनी आर्मी 3 वेव्स में इस पोस्ट पर हमला कर देती है। पहले और दूसरे वेव में लगभग 300 चीनी सैनिकों को मारने के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह अकेले बच जाते हैं और ऊपर से बैक ऑफ होने के ऑर्डर होने के बावजूद वो लड़ना नहीं छोड़ते। आखिर में चीनी आर्मी के थर्ड वेव आने तक बुलेट्स खत्म होने की वजह से इन्हें जख्मी हालत में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर चाइना ले जाया जाता है, जहां ये किसी भी हालत में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद शहीद हो जाते हैं। आज भी इनकी बेटी हर साल इस इलाके में विजिट करती है, जहां इनकी पोस्ट की जगह एक वॉर मेमोरियल और इंडो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक हीप ऑफ स्टोन एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप रखा गया है।